हिमाचल प्रदेश की सुखू सरकार पूर्व भाजपा सरकार द्वारा खोले गए संस्थानों को डी नोटिफाई करने का कार्य कर रही है, जिसे लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ मुखर गई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह भी सरकार के पक्ष में आ गई है और सरकार के निर्णयों को सही ठहरा रही है। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा ने भाजपा के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह नगर निगम शिमला के चुनाव को लेकर बुलाई गई कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू हुई, जहां अनौपचारिक बातचीत में प्रतिभा सिंह ने कहा कि भाजपा का काम ही हमेशा दूसरों पर हावी होने का रहा है। सरकार ने जो भी निर्णय लिए हैं वो सोच समझ कर लिए हैं। जेपी तो ऑलवेज उनका काम ही है कि आप दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। आप सत्ता में थे, आपने क्यों नहीं किया? जब हम सत्ता में आए तो हमने देखा, सरकार ने ये देखा कि कई इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहां पर ना टीचर्स हैं ना डॉक्टर्स हैं और इररेलेवेंट थे वो, इसलिए उन्होंने, सरकार ने वो फैसला लिया। वो सरकार का फैसला है, दैट इज़ अप गवर्नमेंट टू डिसाइड कि क्या करना है क्या।